आज 132वां जन्मदिन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज बाबा साहेब के हर जगह रैलियां निकल रही हैं, हर जगह संविधान की चर्चाएं हो रही हैं। आज जो माहौल है देश के अंदर, तो बाबा साहेब ने सभी को एक समान दर्जा दिया है। महापुरुष को दलित कहा जाए, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम लिया जाए, पूरे वर्ल्ड में उनको सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में देश में उनको अपमानित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े लीडर, उनको सम्मान करना चाहिए, उनके विषय में जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। आज भारत के संविधान की देन है। आज 132वां जन्मदिन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज बाबा साहेब के हर जगह रैलियां निकल रही हैं, हर जगह संविधान की चर्चाएं हो रही हैं। आज जो माहौल है देश के अंदर, तो बाबा साहेब ने सभी को एक समान दर्जा दिया है कि सभी लोग समान जिए, समान पढ़ें, समान लिखें, तो सभी लोगों को एक सूत्र में बांधा। लेकिन लोगों का यही है कि लोग फिर भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कि बाबा साहब ने सभी के लिए लोगों काम किए हैं, जिस पे लोग उनको अछूत के नाम से लोग प्रचार करते हैं, दलित थे, दलित थे। अगर उन्होंने सभी हर वर्ग के लिए काम किया तो दलित क्यों कहा जाता उनको? महापुरुष को दलित कहा जाए, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम लिया जाए, पूरे वर्ल्ड में उनको सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में देश में उनको अपमानित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े लीडर, उनको सम्मान करना चाहिए, उनके विषय में जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। आज भारत के संविधान की देन है। हर वर्ग सम्मान से जी रहा, सम्मान से रोजी रोटी खा रहा, लेकिन ये सरकारें ऐसी हो चुकी हैं कि हमारी रोजी रोटी भी छीनने पर लगी हुई हैं। जात पात की लड़ाई करके हमें लोगों को एक दूर करने कर रही हैं। इसलिए इन सरकारों को हम चाहते हैं कि ये सरकारें सुधर जाएं, वरना आने वाला समय सत्ता से उनको बाहर कर दिया जाएगा। आज बाबा साहेब के कांशीराम जी का नाम लेके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने विचारों को बदल दें। क्यों सरकार, बाबा साहेब ने सभी लोगों को सम्मान दिया। कांशीराम जो आज बहुजन समाज पार्टी का जो नींव रखा है, आज बहुजन समाज पार्टी चार बार मुख्यमंत्री बहन जी मायावती ने उत्तर प्रदेश में बना है। आने वाला 24 जो है, फिर बहन कुमारी मायावती जी को सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है। ये पूरे देश में प्रचार हो रहा है, पूरे नगर में हर जगह इसका प्रचार हो रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि आप लोग वोट के माध्यम से अपनी सरकार को चुनिए। आने वाला समय जो है, हम सम्मान के साथ जी सके। जो आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा, हमारे गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा, जो रोजी रोटी प्रदेश से इतनी दूर रोजी रोटी के लिए, लेकिन फिर भी उनको अपमान किया था, उनको जो उनकी मेहनत वो भी नहीं दी जाती है, और पाँच तीन बारह घंटे खटवाया जाता है, 200-300 रुपए दे के उनसे मजदूरी की जाती, जबरदस्ती की जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनका मूलधन है, जो असूल है उनका, जो मेहनत का पैसा बनना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। मैं यहाँ के जो व्यापार लोग हैं, उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, और आने वाले सरकार सभी से मैं कहता हूँ, सभी के साथ भेदभाव ना किया जाए। उनको जो उनका हक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों के साथ आज जो शोभा यात्रा, आज शोभा यात्रा ABM स्कूल से निकलते हुए 3 नंबर डिवीजन होते हुए जलंधर बाईपास, जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, वहां समापन होगा। वहां तक शोभा यात्रा निकलेगी और सभी लोग साथ होकर जाएंगे। कम से कम यहां 10-15 हज़ार क्या 20 हज़ार के करीब लोग, यहाँ जनसंख्या इकट्ठा होगी। सभी संस्थाएं के लोग यहाँ एकत्रित होंगे और सब 1-2 बजे से यहाँ सब आरंभ कर निकलना शुरू कर देंगे। इसीलिए आज की जो सभा हमने है, सभी लोग हम आए न्यू भादोपुरी से। हमारा संस्था भीम कमांडो है, मैं श्याम नारायण भारती भीम कमांडो का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, और सभी साथियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकारें जो हैं, वो जो हमारा हक अधिकार है, वो हमें सम्मान के साथ दिया जाए और हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हम इसी के साथ आप सभी के साथ जय भीम नमोद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम कमांडो। नाम क्या है आपका? सर पप्पू। पप्पू भारती। क्या कहना चाहते हो आज जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी जो आज यात्रा निकाली जा रही है, उनके बारे क्या कहना चाहते हो? सर इनके बारे में जो आज यात्रा निकली है, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको भी तो बोल सकता हूँ सर। आज
विश्वदीप बाबा साहब विश्वदीप बुद्ध भगवान कलवा के सागर उनके चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारे जो बाबा साहब करके गए हैं हम लोगों के लिए, वो हम लोगों के लिए हक चाहिए, यही हम लोगों की लड़ाई है। और जो क्या नाम है कांसी राम जी भी किए हैं उन पर भी लोग आपत्ति करते हैं कि हमको ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए उनके बारे में हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं शोभा यात्रा के लिए यही हम लोगों की गुजारिश है कि हम लोगों की हक चाहिए। मैसी क्या होगा आपका जी मैसी क्या देना चाह रहे हो? सर ये जो हम जो यहाँ से एकत्रित हुए हैं ये हम लोग जो शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ से आए हैं ये बीएम स्कूल जहाँ यहाँ बाबा साहब स्थापित किए थे और यहाँ से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी जलंधर बाईपास जा करके जो वहाँ बाबा साहब का स्थान है वहाँ पे सम्मान होगा और वहाँ से फिर हम लोग बुद्ध विहार के लिए जाएंगे।